हेलो स्टूडेंट्स, आज एक और सिंपल इंटरेस्ट का एक शानदार क्वेश्चन है। इसको बड़े आराम से और ध्यान से आप समझेंगे। क्या दे रखा है? ए ने 800 रुपए 12% रेट से, और बी ने क्या किया? बी ने 910 रुपए, वो भी 10% की वार्षिक दर पर, साधारण ब्याज की दर पर उधार लिया। कितने वर्ष के बाद उनके ऋण के मिसर धन बराबर हो जाएंगे, मतलब इनके पास पैसा जो है बराबर हो जाएगा, ये हमें निकालना है। सबसे पहले देखो, एक साल में कितना ब्याज मिलेगा? इसको एक साल में 96 रुपए ब्याज मिलेगा। इसको एक साल में कितना ब्याज मिलेगा? 91। 800 का 12% और 910 का 10%। अब यहां से आप देखोगे तो इसको कितने रुपए ज्यादा मिल रहा है? 5 रुपए। लेकिन बी के पास कितने रुपए ज्यादा है? बी के पास 110 रुपए ज्यादा है। मतलब ए का अमाउंट बी के इक्वल होने के लिए 110 रुपए ज्यादा चाहिए। तो आप क्या करोगे, 110 रुपए को इनके एक साल के इंटरेस्ट से डिवाइड कर दोगे, आपके पास क्या आ जाएंगे? आपके पास इयर्स आ जाएंगे। 22 साल के बाद दोनों के पास बराबर पैसा हो जाएगा। इस तरीके से आप इस सवाल को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, देखते हैं अगले किसी शानदार कंसेप्ट के साथ, क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।